Dear students, welcome to my English literature class of grade 7th. Students, before commencing the chapter, first of all, I will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Students, let's start with the chapter with the new story. Come to the page number. Chapter number 6, My Breaking In. Let's start with the first paragraph. I was now beginning to grow handsome. My coat had grown fine and soft. वो कहता कि जब मैं ग्रो कर रहा था मैं बहुत हैंडसम था एंड जो मेरा कोट था वो फाइन था सॉफ्ट था एंड वाज ब्राइट ब्लैक और ब्लैक कलर का था. आई हैड वन वाइट फुट एंड अ प्रेटी वाइट स्टार ऑन माय फोरहेड. मेरे एक फुट के ऊपर मेरे जो फुट थे वो वाइट थे एंड जो मेरा फेस था फोरहेड था वो उसके ऊपर स्टार था वाइट कलर का. आई वॉज थॉट वेरी हैंडसम. मैं बहुत हैंडसम था. माय मास्टर वुड नॉट सेल मी. जो मेरे मास्टर थे वो मुझे सेल नहीं कर रहे थे. टिल आई वाज 4 इयर्स. जब मैं 4 इयर्स ओल्ड था. ही सेड लैड्स आउट नॉट टू वर्क लाइक मैन. लैड्स क्या होते हैं जो यंग बॉयज और मैन होते हैं वो कहते कि इतना काम नहीं करते थे. एंड कॉल्स आउट नॉट टू वर्क लाइक हॉर्सेस टिल दे वर क्वाइट ग्रोन अप. और जो कॉर्ड्स थे जो लिटिल हॉर्स थे वो भी उतना वर्क नहीं कर पा रहे थे जब तक वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हो जाते थे. व्हेन आई वाज 4 इयर्स ओल्ड. जब मैं 4 इयर्स ओल्ड था स्क्वेयर गॉर्डन केम टू लुक एट मी. जो स्क्वेयर गॉर्डन था वो मेरे को देखने के लिए आया. ही एग्जामिन्ड माई आइज. उसने मेरी आइज को एग्जामिन किया. माई माउथ एंड माई लेग्स. मेरे माउथ को भी और मेरी लेग्स को भी. ही फेल्ट देम ऑल डाउन. उसने देखा कि वो डाउन जा रही हैं. एंड देन आई हैड टू वॉक एंड ट्रोट एंड गैलोप बिफोर हिम. तो मैंने वॉक किया एंड ट्रोट किया एंड गैलोप किया बिफोर हिम. वो भागा भागा उसके उससे पहले ही चला गया. He seemed to like me. उसने देखा कि वो मेरे जैसा है. And said, when he has been well broken in. उसने जब देखा कि वो well broken है. He will do very well. वो बहुत अच्छा करेगा. My master said, he would break me in himself. वो उसको अपने जैसे break कर लेगा. As he should not like me. वो मेरे जैसा नहीं होएगा. To be frightened. जैसे frightened था वो. और hurt. And he lost no time about it. वो time भी lost नहीं करेगा waste नहीं करेगा. For the next day he began. उसने start कर दिया. Everyone may not know what breaking in. किसी को नहीं पता कि उसने क्या break करना था उसके master ने. Therefore I will describe it. वो कहता कि मैं describe करूँगा. It means to teach a horse to wear a saddle. इसका मतलब ये था ब्रेकिंग का कि हॉर्स को कैसे टीच करना टू वेयर अ सैडल. सैडल को कैसे वेयर करना. सैडल मींस एक लेदर सीट होती है जो हॉर्स की बैक के ऊपर होती है. एंड ब्रिडल. और जो ब्रिडल होती है ब्रिडल भी एक लेदर बैंड होता है जो हॉर्स के हेड के अराउंड डाला जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए. एंड टू कैरी ऑन हिज बैक अ मैन. उसके पीछे एक मैन जो उसको कैरी करता है. वुमेन और चाइल्ड. कोई भी वुमेन या फिर चाइल्ड. टू गो जस्ट द वे दे विश. जिस वे में वो जाना चाहते हैं. एंड टू गो क्वाइटली. कैसे क्वाइटली जाना है. बिसाइड्स दिस. इसके अलावा ही हैज़ टू लर्न टू वेयर अ कॉलर. उसको लर्न करवाना है कि कैसे कॉलर को वेयर करना है. अ क्रपर. क्रपर मीन्स एक स्ट्रैप होती है जो हॉर्स के टेल के अंडर होती है. एंड बकल विथ सैडल. उसके एक बकल होता है. एंड अ ब्रीचिंग एंड टू स्टैंड स्टिल वाइल दे आर पुट ऑन. ब्रीचिंग क्या होता है. एक पार्ट ऑफ हार्नेस होता है जो
पास किया जाता है अराउंड द हॉन्चेस ऑफ द हाउस, जो हॉर्स है उसकी जो बैक होती है उसके अराउंड होता है वो, एंड टू स्टैंड स्टिल, कैसे स्टिल खड़े होना है, व्हाइल दे आर पुट ऑन दे हैव अ कार्ट और अ चेस, एक कार्ट चाहिए और एक चेस चाहिए उनको चलाने के लिए हॉर्स को, फिक्स्ड बिहाइंड सो दैट ही कैनॉट वॉक और ट्रोट विदाउट ड्रैगिंग इट, वो वॉक नहीं कर सकता उसको ड्रैग करे बिना, जब तक उसको कोई ड्रैग नहीं करता वो नहीं वॉक करेगा, एंड ही मस्ट गो फास्ट और स्लो, वो फास्ट भी हो सकता है स्लो भी हो सकता है, जस्ट एज द ड्राइवर विशेस, जैसे ही ड्राइवर विश करता है वैसे ही जो हॉर्स है वो उसको हॉर्स को तेज भी कर सकता है स्लो भी कर सकता है, ही नॉर बाइट, ना तो वो बाइट करता है, नॉर किक, नॉर हैव एनी विल ऑफ हिज ओन, बट ऑलवेज डू हिज मास्टर्स विल, जैसे ही उसका मास्टर कहता है वैसे ही वो करता है, ना ही वो बाइट करता है ना ही वो किक करता है, कुछ भी नहीं वो करता जब तक उसका मास्टर नहीं बोलता, इवन थो ही मे बी वेरी टायर्ड, चाहे वो जितना मर्जी टायर्ड है और जितना मर्जी हंग्री है, बट द वर्स्ट ऑफ ऑल इज, सबसे वर्स्ट क्या है, वेन हिज हार्नेस इज वंस, जब उसकी हार्नेस होती है, हार्नेस क्या मतलब क्या होता है, जो स्ट्रिप होती है लेदर की, एक स्ट्रिप होती है लेदर की एंड अ मेटल की होती है, मेटल पीस की होती है जो हॉर्स के हेड के अराउंड उसकी बॉडी के अराउंड डाली जाती है ताकि उसको तेज किया जा सके जब उसको चलाना होता है, ही मे नाइदर जंप, ना तो वो जंप करता है फॉर जॉय, नॉर लाई डाउन, ना तो वो नीचे बैठता है फॉर वियरनेस, सो यू सी दिस ब्रेकिंग इन इज़ अ ग्रेट थिंग, तो आप देख सकते हो कि ये जो ब्रेकिंग है ये बहुत बड़ी चीज़ है. Students, this chapter we will cover up to here, up to page number 74, paragraph 2. In the next video, I will continue with this chapter. I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.